राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आप जहाँ पे मिलते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाएगा कि सभी लोग पूजा कर रहे होते हैं इंद्रदेव की और इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। उन्हें ये घमंड हो जाता है कि वही है सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता, क्योंकि उनकी वजह से ही सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर जो महापुरुष आते हैं वो यज्ञ में आहुति देने के लिए सबसे कहते हैं। यह इंद्रदेव देखकर के काफी ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं कि सब इतनी असाधारण सी आहुति कैसे दे रहे हैं, मतलब इतना साधारण सब कैसे दिया कर रहे हैं। वो स्पेशल देवता हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल आहुति होनी चाहिए। तभी यहाँ पर इंद्रदेव संदेश भिजवाते हैं सबको, और वहाँ पर आकर के संदेश वाहक कहता है कि इंद्रदेव कह रहे हैं कि उनके आहुति के लिए कुछ विशेष करना होगा। और वो ढेर सारी चीज़ें लिस्ट में बता देते हैं, जैसे कि बहुत सारी गाय, बहुत सारा अनाज, जिसे सुनकर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद सब लोग मान जाते हैं और इंद्रदेव के मन मुताबिक ये सब करने के लिए सज्ज हो जाते हैं। यहाँ पर राधा काफ़ी ज़्यादा उदास होती हैं और मैया यशोदा उन्हें देख लेती हैं। राधा अपने कक्ष में होती हैं, यशोदा वहाँ जाती है और उनसे उनकी उदासी का रीज़न पूछती हैं। तभी यहाँ पर राधा कहती हैं कि उन्हें यहाँ से नहीं जाना, वो बस सबके साथ यहीं पर रहना चाहती हैं और इसके लिए वो समझ नहीं पा रही हैं कि उन्हें क्या प्रयास करना है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण बलराम दाऊ से कहते हैं कि अभी हमारा यहाँ से जाने का समय नहीं आया है, अभी हम द्वारका नहीं लौट सकते, अभी भी दो महत्वपूर्ण कार्य करने बाकी हैं, अभी दो नए अध्याय बाकी हैं जिसमें से एक तो शुरू हो चुका है और एक होना भी बाकी है। इधर सारी सखियाँ राधा से बात कर रही होती हैं और वो उनकी उदासी देख करके कहती हैं कि क्या हम तुम्हारे माता पिता से बात करें द्वारका ना लौट जाने के बारे में। राधे सुनकर और ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। यहाँ पर नारद जाते हैं इंद्रदेव के पास और उनकी खुशी का राज पूछते हैं। इंद्रदेव उन्हें बताते हैं कि द्वारकावासी और सभी लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं कि उनकी दी हुई आहुति बता करके जो वो चाहते हैं वैसा ही कर रही हैं, इसके बाद तो कौन प्रसन्न नहीं होगा। तभी यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि कुछ ऐसे भी मनुष्य या फिर लोग होते हैं जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, सबसे शक्तिशाली समझते हैं, और फिर वो श्री कृष्ण के अंत के समय में उनके अंत का कारण बनने के प्रयास करते हैं और उन्हें डर लगता है कि कहीं कंस से जाकर के ये मिलना चाहे। और इधर श्री कृष्ण जाएंगे राधा रानी के पास, ये दोनों आपस में बात करेंगे, जहाँ पर राधा कृष्ण को कहते हैं